एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है तो आज मैं ली हूँ थोड़ा सा चना और मैंने मुझे केला लेना है और ये लेना है क्योंकि आज मैं हनुमान जी का दिन है तो आज मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं खा सकती। और इसी के साथ बता दूँ कि मेरा आई कार्ड मिल गया है जो कि मैं निकाल के रख देती हूँ, ठीक है? तो निकाल के इसलिए रख दिया कि जाते समय पहनूंगी। मंगलसूत्र मुझे मिल गया है, अभी गोल्ड का नहीं है, टेम्परेरी है। कैसा? मेरा लेट हो रही हूँ, चलो लेट हो रही हूँ, मिलती हूँ आपको बाद। अच्छा हाँ, एक बात बताना तो भूल गई यार, मुझे भी भूख लग जाती है, सबकी आलू पराठे की सबकी खुशबू आती रहती है। तो आज मैंने अपना टिफिन पैक किया है, चावल और रायता लौकी का, उसको ले जाऊंगी खाऊंगी वहीं पे। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और हो सकता है ये आज ऑफिस के बाद मैं जाऊँ मॉल क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने हैं। मेरे को वीडियो देखना पड़ा है कहीं सर वरना दिख जाए। तो फाइनली मेरा ऑफिस सामने ही है। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ऑफिस पहुँच गई थी, अभी टैप वाला मुझे नहीं मिला है, अभी टेम्परेरी कार्ड मिला है। जब मैं फाइनली एकदम ना जैसे ऑफिस बोर्ड पे जाऊँगी जैसे काम पे, अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है तब मुझे वो कार्ड मिलेगा मेरा, तो टच करवा के फिर गेट खुल जाएगा, मैं एंट्री कर लूँगी सीधे। तो यही है। और यहाँ पर लंच टाइम थोड़ा हुआ था, टी टाइम था, तो मैंने कहा क्या खाऊँ क्या खाऊँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था चिप्स लेज का लिया था क्योंकि उसमें आलू होता है तो ठीक रहता है, और लेज लेके मैं वही खा रही थी। यहाँ पे मुझे सॉरी माफ़ करिएगा, मुझे आई कार्ड बार बार छुपाना पड़ रहा है क्योंकि यार फिर मेरी प्राइवेसी थोड़ा सा वो हो जाएगी ना जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ब्लर करना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखिए सब बैठी, लंच टाइम था तो कोई लंच करता है, कोई मोबाइल चलाता है, जिसको जो ख़रीदना खाना पीना होता है करता है, आधे घंटे का छुट्टी मिला रहता है। तो फिर उसके बाद ना 5 मिनट बाकी था तो मैं ऑफिस के ना जैसे बाहर ही थोड़ा सा स्पेस है, मैं वहीं बैठी हुई थी और मेरे साथ की लड़की बैठी हुई थी, वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं चुपचाप बैठी सबको आते जाते देख रही थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद छुट्टी होने के बाद मैं एम्बियंस मॉल चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरे पास यार सारे सूट हैं और सूट धो डेली पहन के धोने में ना जैसे बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा बस सिंपल सा जींस टॉप ले लो, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। तो जींस टॉप मैंने लेने के लिए ना सिंपल सा टी शर्ट ले लिया, और आई कार्ड उस पर लगाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे सिंपल टी शर्ट पे ना आई कार्ड पहनने को मिलता है। तो जब आई कार्ड मिला था ना, अभी तो टेम्परेरी मिला तो मेरे को बड़ा खुशी हो रहा था, अच्छा लगता है थोड़ा। और उसके बाद अब जैसे जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी एकदम से, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो फिर उसके बाद ना असली वाला मिलेगा, टैप करके तब अंदर जा सकते हो आराम को, एंट्री मिलेगी तब। ये देखिए टी शर्ट यही सारे थे, इसमें से मैंने उठा लिए थे 5-6 टी शर्ट सिंपल सा,
और इस तरीके से कुछ मॉल था, शाम बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने लुक ज़्यादा नहीं लिया मॉल का ना, एक होता है आराम से घूमो मॉल में, 3-4 घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन मैंने इतना कुछ लिया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, बस ट्रेंड्स में जाके शॉपिंग वॉपिंग किया, थोड़ा बहुत घूमा, फिर मैं चली आई। ट्रेंड्स थोड़ा सस्ता पड़ रहा था तो फाइनली मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ घर पे। एसी चलाया मैंने और बस रायता चावल सुबह का था वही खाया, और खा के अब नींद आ रही है, चलेंगे अब सोएंगे। क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ और सब बाहर ही पड़ा हुआ है, अब हिम्मत नहीं है, मतलब बज रहे हैं 10, तवा खाना उसके बाद सोना है, तो चलती हूँ मैं और आपको मिलती हूँ सुबह। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरा निकलने का टाइम। आपको बता दूँ कि आज बहुत मॉर्निंग गंदी वाली हुई है, क्योंकि मेरी 6 बजे नींद टूटी और मैंने सोचा 5 मिनट सो लूँ, 7:15 हो गए और मेरे को खाने पीने का कुछ टाइम नहीं मिला है, और मैं बस वही चना भिगोया था, कल का पड़ा हुआ था और वो पड़ा हुआ था ड्राई फ्रूट था, केले थे, मैंने वही 2 केले और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और चना थोड़ा सा खाया। उसके बाद टिफिन मैं नहीं ले जा रही हूँ, 2-3 छोटे छोटे सेब रख लिए हैं मैंने और पानी रख लिया है, देखूँगी कैंटीन से अगर कुछ खाने लायक मिलेगा तो ले लूँगी, जब तक मम्मी नहीं है तब तक तो ये परेशानी उठानी ही पड़ेगी। फिलहाल लेट हो रहा है, चलते हैं निकलते हैं। ये मेरा लुक रहा, आप देख सकते हैं। आप लोगों को एक खुशखबरी बताना भूल गई कि मेरे को मेरा आई कार्ड मिल गया है। मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, तो व्लॉगिंग करना होता है तो इस वजह से कुछ देर बाद पहनूंगी। और चलिए आती हूँ या फिर तब बात करती हूँ, आती हूँ तो ऑफिस से बात करती हूँ। यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख और मैंने कहा क्या करूँ, तो यहाँ पे छोला और मिक्स सब्जी थी, मैंने वो ले लिया था और मैं कैंटीन में बैठ के खा रही थी। यहाँ पे मेरी छुट्टी हो गई थी तो मैं बहुत हो गई थी खुश, मैंने कहा चलो भाई अब घर जाने का टाइम आएगा, आ गया फाइनली छुट्टी टाइम, बड़ा खुशी होता है ना। तो फाइनली मैं घर पर आ चुकी हूँ, हालत हो गई है बुरी मेरी, कपड़ा चेंज करूँगी, कपड़ा चेंज करके थोड़ा फ्रेश वेश होते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और आज छुट्टी है तो थोड़ा सा आराम वाली मॉर्निंग है, और मैं बना ली हूँ चाय, आप देख सकते हैं ये कैसे दिखाऊँ, ये रही मेरी कड़क वाली चाय और ये मेरा रस रहा जो कि ग्लूटेन फ्री है। तो चाय और ग्लूटेन फ्री रस लेके बैठी हूँ आज सुकून की, थोड़ा आराम से उठी हूँ, थोड़ा आराम से चाय पीऊँगी, बैठे बैठे ना हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए आपको चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। फिलहाल अभी जा रही हूँ, थोड़ा मम्मी को कॉल कर लूँ, मम्मी से बात कर लूँ, सो के उठी हूँ तो वेट कर रही होंगी कि सो के नहीं उठी क्या, तो बात करके तब आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। आज बहुत सारे काम है, देखती हूँ क्या होता है, आ जाइए। मैं यहाँ से गई थी, यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि मम्मी से मैं बात कर रही थी 10 बजे से, अब बज गए हैं 11:15। मेरी मम्मी को प्रेजेंट फ्यूचर सब जानना होता है, एक मिनट बंद कर, प्रेजेंट फ्यूचर सब जानना होता है, समझाती हूँ प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, क्या खाई क्या उठी क्या की, क्या की तो बताती हूँ सारी चीज़ें। और मैं कपड़ा लेने गई थी ना तो बोल रही थी क्या क्या लेके आई, मैंने दिखाया क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं था, मैं घड़ी लेके आई और थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, सही रहता है यार, घड़ी बिना अच्छा नहीं लगता, सब वहीं पे लगाए रहते हैं। वो था एक पर्स चाहिए था, बहुत बड़ा हो जा रहा है ये पर्स, तो मुझे मीडियम चाहिए था, वो मैं ली। और टी शर्ट मैंने लिया है, 2 जीन्स लिया है,
शायद शॉर्ट में आपको देखने को मिले, शॉर्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो वही सब दिखा रही थी कि मतलब धुलने को सूट बहुत ज़्यादा, एक सूट डेली ऐसे। तो मैंने कहा कि जींस और टॉप सही रहता है, टॉप 7 दिन का 7 टॉप रहेगा, बढ़िया रहेगा, और जींस 2 रहेंगे, यही धुलना रहेगा। 7 दिन का क्या, संडे पड़ ही जाता है, 6 टी शर्ट मैं ले आई हूँ। रिलायंस में मैं गई थी और ट्रेंड में, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप, उसमें ऑफर चल रहा था 450 का एक टी शर्ट था, अगर आप डबल लेते हो 400 का दो लेते हो मतलब 800 का, तो 300 उस पर फ्री हो जाएगा, मतलब ना 300 कट जाएगा। तो 500 में समझो 250 में टी शर्ट मिल रहा था, तो मैंने ऐसे करके 1500 में 6 टी शर्ट लिया। तो ढेर सारे कूपन भी मिले मेरे को, और वही से सारी शॉपिंग की मैंने। मुझे ट्रेंड्स थोड़ा ठीक लगता है। मैं जिस मॉल में गई एम्बियंस मॉल में गई थी, और एम्बियंस मॉल में बहुत महंगा होता है मतलब ना, तो एम्बियंस मॉल में बहुत महंगा होता है, उसमें ट्रेंड्स मुझे थोड़ा ठीक लगा कि मेरे बजट के हिसाब से है, तो एम्बियंस मॉल में मैं गई। और फाइनली मम्मी फ्रूट खा लो, कुछ खा लो, चाय पी के बैठी थी तो कह रही हूँ कुछ खा लो। मैंने कहा शेक बनाऊँगी अभी पीऊँगी, फिलहाल उनके सामने मैंने फल काटा, धुला उला काटा, खा रही थी। नानी से बात हुआ, मामी से बात हुआ, मम्मी से बात हुआ। ये देखिए, ये बात करते करते इतना फल खा ली मैं, इतना बाकी है, मेरे से नहीं खाया जा रहा, थोड़ा बहुत खाऊँगी। तो इसमें काटा है मैंने, कीवी है 2, 2 अमरूद है, 2 सेब है, तो यही है। मम्मी बोली खा लो अच्छा है तुम्हारा, मतलब मुझे लगता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत हेल्दी डाइट होती है, जिसमें आप फालतू चीज़ें नहीं खाओगे। अगर आपको आपके हेल्थ की इतनी परवाह है तो ग्लूटेन फ्री होने से मैं जो भी खाती हूँ हेल्दी जाता है, नहीं तो नहीं जाता। जाएगा तो हेल्दी जाएगा खाना, नहीं तो खाना नहीं जाएगा पेट में। तो इस वजह से मैं, मम्मी बोली कुछ बनाओगी नहीं, मैंने कहा अभी उठूँगी बनाऊँगी, चलते फिरते बना लूँगी खाना, दोपहर में खा लूँगी, तब तक काम वाम करती रहूँगी इस बीच बीच में। मम्मी बोली ठीक है जाओ तुम, तो चलो अभी बिस्तर विस्तर सही करना है। फिलहाल तो इतना मैंने फ्रूट खा लिया है, अब नहीं खाऊँगी, रख दे रही हूँ, शाम को खाऊँगी, देखते हैं सेक बना लेते हैं। बहुत खा लिया यार, फ्रीज में रख दो। मोबाइल मेरी डिस्चार्ज है, लगा देती हूँ मैं चार्ज, पंखा बंद करो। और आप देख सकते हैं पीछे कि मेरा पूरा सब कुछ ना बेडरूम में बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैंने 2 दिन से बेडरूम में मतलब ऐसे ही काम चला रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। तो भागो सुबह उठ के, खाओ पियो भागो, यही। तो आज झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, कपड़े भी धुलने हैं, बिस्तर भी सही करना है। चलती हूँ मैं, कर लेती हूँ फटाफट, मोबाइल चार्ज लगा दूँ यार, चार्ज नहीं, क्या करूँ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इतना काम है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे ही बिजी चाहिए थी मेरी लाइफ, कि जब मुझे ना समय मेरे पास बहुत कम रहे, और मैं ये भी करना है वो भी करना है, कहीं फालतू मन ना लगे। ठीक, तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ अपना काम ख़त्म।